हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज चमचम मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आपके घर में कभी टेबल होता है तो आप बाहर से मिठाई मंगवाते हैं और वो कब का बना होता है ये भी आपको पता नहीं होता, पर उससे भी कहीं स्वादिष्ट ट्रीट हम घर में बना के आप बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है 1.5 लीटर दूध, ये फुल क्रीम दूध है, 600 ग्राम हमने शक्कर लिया है, 4 नींबू लिया है जिसका हम रस यूज करेंगे और कुछ इलायची हम यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम छेना तैयार करते हैं। सबसे पहले हमें गैस पे एक बड़ा सा बॉल लेना है और उसमें दूध को गर्म करने के लिए रखना है। तो सभी दूध को हम बॉल में डाल लेंगे। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे। दूध को चलाते हुए हम इसे उबालेंगे। दूध को ऐसे हम चबा दूध को चलाते हुए हम इसे उबाल लेंगे। दूध को हमने चलाते हुए उबाल लिया है। आप देख सकते हैं पेंदी में बिल्कुल भी दूध नहीं जमा है। चलाने का यही रीजन है, हम ऐसे दूध छोड़ देते तो पेंदी में उसकी एक परत पड़ जाती, वो नहीं पड़ा है, दूध में अच्छे से उबाल आ गया। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और दूध को हल्का सा ठंडा होने देंगे, यानी कि इसका स्टीम चला जाए उतना हमें ठंडा करना है। जब तक दूध का स्टीम निकल रहा है तब तक हम नींबू का रस तैयार कर लेते हैं। नींबू को हम लेंगे और नींबू को ऐसे बीच से हम काटेंगे। कभी भी आप नींबू को ऐसे मत काटिए, नहीं तो उसका रस नहीं निकलता है अच्छे से। तो हम नींबू को ऐसे बीच से काट लेंगे। दो टुकड़े में हमने नींबू को काट लिया। अब हम एक बॉल में ऐसे इसके रस को निचोड़ लेंगे। रस निचोड़ने के लिए कई तरह के मशीन भी आ रहे हैं, पर आप हाथ से निचोड़िए, अच्छे से रस निकल जाता है, आपका हाथ भी क्लीन हो जाएगा। ऐसे हम सभी नींबुओं के रस को निचोड़ लेंगे। हमने नींबू का रस निचोड़ लिया। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 ग्लास पानी और नींबू के रस को छान लेंगे। इससे क्या होगा, इसका सीड्स और इसका गुद्दा निकल जाएगा। हमने रस को छान लिया। अब हम ये रस को छीना फाड़ने के लिए यूज करेंगे। तो चलिए हम दूध की तरफ चलते हैं। दूध को हमने हल्का सा ठंडा होने दिया है। अब हम इसमें ऐसे आधा कड़छुल नींबू वाला पानी डालेंगे और ऐसे दूध को चलाते हुए फाड़ेंगे। फिर हम इसमें से थोड़ा सा नींबू का रस लेंगे और इसे चला के दूध फाड़ेंगे। इतने नींबू के रस में अपना दूध फट जाता है। अगर नहीं फटता है तो एक आध नींबू और यूज कर सकते हैं हम। नींबू के जगह पे टाटरी भी लिया जाता है, लेकिन हमारे पास फ्रेश नींबू अवेलेबल था तो हमने नींबू का रस निकाल लिया। दोनों तरीके बिल्कुल सही है। टाटरी को आप थोड़ा सा पानी में गर्म कर लीजिए और फिर दूध में डाल के छीना बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऐसे रस डाल रहे हैं और चला रहे हैं। आपको मैं दिखा रही हूँ, अपना दूध छेने में बदलना शुरू होने लगा है। अब हम इसमें सभी रस को डाल देंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे अच्छे से दूध से अपना छेना तैयार हो जाए। तो आप एक बार ध्यान से देख लीजिए कैसे अपनी छेना जो है दूध से तैयार हो गई है, एकदम अलग अलग। अब हम
हम इस छेने को एक कपड़ा में छानेंगे। अब हम एक खाली बॉल लेंगे और उसपे एक मलमल क्लॉथ डाल देंगे। कोई भी आपके पास कॉटन क्लॉथ हो, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, उसे ऐसे बॉल पे रख दीजिए। उसपे अब हम ये छेना जो है उसे डालेंगे। तो ऐसे हम सभी छेने को डाल देंगे। आप देख सकते हैं पानी अलग, छेना अलग तैयार हुआ है। अब हम इस कपड़े को ऐसे रोल बनाते हुए और छेना से अलग कर लेंगे और इसी बॉल को सामने लेंगे। इस पे हम ये जालीदार बर्तन रखेंगे और अपने छेना को ऐसे खोल देंगे। अब हम इस पे ठंडा पानी से छेना धोएंगे। इससे क्या होता है, जितना हमने नींबू का रस डाला था वो बाहर हो जाएगा और अपना एकदम फ्रेश छेना तैयार होगा। तो छेना को अच्छे से धोना भी बहुत ही जरूरी है। आप देख सकते हैं हमने इतना ही छेना को एक बोल पानी से धोया है, छेना भी ठंडा हो गया और इसकी खटास भी निकल गई। अब फिर से हम इसे ले लेंगे और ऐसे रोल बना लेंगे, यानी कि गठरी बना लेंगे। हाथ की मुट्ठियों से ऐसे दबाते हुए हम इसका एक्स्ट्रा पानी निकालेंगे। आप चाहें तो ऐसे रोल करते हुए और इसका पानी निकालिए। हमें जल्दी छेना बनाना है तो हम अभी निचोड़ रहे हैं। अगर आपको एक आध घंटा बाद बनाना है तो इसे कहीं टांग दीजिए, इसका एक्स्ट्रा पानी जरूरत के अनुसार निकल जाता है। तो हमने दोनों हाथों से दबाते हुए इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया है। अब आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल ड्रॉप ड्रॉप पानी आना शुरू हुआ है। तो बस इतना ही हमें छेना में पानी चाहिए चमचम बनाने के लिए। अब एक बार मैं ओपन करके आपको दिखा दे रही हूँ, आप देखिए कितना बढ़िया अपना छेना तैयार हुआ है। तो ऐसे ही छेना चाहिए हमें चमचम बनाने के लिए। चलिए अब हम इसे मसलने के प्रोसेस में चलते हैं। छेना को हमने एक प्लेट में रख लिया है। अब हम इसे हाथ से ऐसे ऐसे तोड़ लेंगे। देख सकते हैं इसे क्रम्बल करना जरूरी है। अब हम इसे मसलने का प्रोसेस बता रहे हैं। हाथ की जो ये हथेली होती है इससे हम छेना को ऐसे मसलेंगे, जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे इसे मसल लेंगे और मसलते मसलते इसे हम एकदम सॉफ्ट तैयार करेंगे, जिससे अच्छे से अपना चमचम का रोल बन सके। ऐसे हम अंगुली से प्रेस करेंगे, हथेली से मसलेंगे, अंगुली से इकट्ठा करके हथेली से ऐसे मसलेंगे। तो ऐसे हमें 10 से 15 मिनट करना है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। हम इसे अच्छे से हथेली से ऐसे मसल मसल के और एक बढ़िया सा स्मूथ डो जैसा तैयार करेंगे, तभी अपना रसगुल्ला अच्छे से तैयार होता है। इसे मसलने में हमें 12 से 15 मिनट लग सकते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। आप देख सकते हैं हमने 12 मिनट तक छेना को मसल रखा है। छेना एकदम स्मूथ हो गया है, बिना दाना वाला आपको दिख रहा है। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे आधा चम्मच मैदा। मैदा से इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है वो अब्सॉर्ब कर लेता है, तो रसगुल्ला और भी बढ़िया बनता है। हम ऐसे भी बना सकते हैं लेकिन वो सॉफ्ट होगा, और थोड़ा सा मैदा डालने से ये स्पंजी ज्यादा होता है। तो ये आपके ऊपर है, आप देख सकते हैं बिल्कुल आधा चम्मच मैदा डाले हैं, एक्स्ट्रा पानी जो है सब सोख लिया। तो ऐसे ही हमें डो चाहिए चमचम बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं मैदा डालने के बाद हमने 5 मिनट तक और अपने छेना को मसल लिया है। तो ये फाइनली अपनी चमचम के लिए अच्छा सा डो तैयार है। इसमें से हम ऐसा छोटा सा बॉल लेंगे, आपको जितनी बड़ी साइज की चमचम बनानी है उतना लेना है और दोनों हथेलियों के बीच में इसे ऐसे रोल कर देना है। तो ये अपना चमचम तैयार है।
जब हम चमचम तैयार करेंगे उससे पहले चलते हैं चाशनी तैयार कर लेते हैं। गैस पे हमने 1.5 लीटर पानी रख लिया है। पानी को हम उबलने देंगे और इसमें हमने जो शक्कर लिया था उसे डाल देंगे। चलाते हुए हम शक्कर को मेल्ट होने देंगे तो ये 2 से 3 मिनट तक पानी में उबाल भी आ जाएगा और शक्कर भी मेल्ट हो जाएगा। जब तक अपना शक्कर पिघलेगा उतने में हम चमचम तैयार करके रेडी कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा डो में से लेंगे और इसकी चमचम तैयार कर रहे हैं। तो ऐसे पहले गोल करेंगे और दोनों हथेलियों के बीच हम इसे रोल कर देंगे। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हलवाई जैसी अपनी चमचम तैयार हो रही है। साइज आप पे डिपेंड है, थोड़ा बड़ा छोटा जैसा बनाना चाहे, पर यही साइज मार्केट में मिलता है चमचम का। तो ऐसे ही हम सभी डो से चमचम तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं हमने सभी छेने का चमचम तैयार कर लिया है। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। हमने शक्कर को पिघला के उबाल आने तक पिघला लिया है। अब इसमें हम डालेंगे इलायची जो लिया था उसको हमने हल्का सा क्रश कर लिया है। इससे चाशनी का अच्छा सा फ्लेवर आने लगता है और दूध की रेसिपी में अगर इलायची ना पड़े तो फिर उसका स्वाद कहाँ से आता है। इलायची डालनी जरूरी होती है। अब हम इस उबले हुए शक्कर के पानी में 1.5 चमचम को आराम से छोड़ेंगे। ऐसे आराम आराम से छोड़ेंगे। ध्यान रहे आप कभी भी चमचम बनाएं तो एकदम उबलते हुए पानी में डालिए, नहीं तो ठंडा पानी में डालेंगे बिखर सकता है वो। अच्छी सी उबाल आनी चाहिए तभी हम चमचम उसमें डालते हैं। आप देख लीजिए एक एक चमचम आसानी से तैर के ऊपर आ रहा है। बस यही टिप्स है चमचम बनाने का। हमने सभी चमचम डाल दिया है। पानी इतनी होनी चाहिए चाशनी की कि ऊपर तक उबाल आए और दोनों साइड से अपना चमचम अच्छे से पके। तो हम एक बार इसे चम्मच से ऐसे हल्का सा चला देंगे और इसे हम कवर करेंगे। कवर करने से क्या होता है, ये बबल्स जो है ऊपर तक आएगा और दोनों साइड से अपना चमचम फूल के अच्छे से पकेगा। हम कवर करके 20 मिनट उबलने देंगे, फिर एक बार चला के आपको बताएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, चलिए हम अपना चमचम चेक करते हैं। अब देख सकते हैं ऊपर तक उबाल आ रहा है। ये आना बहुत ही जरूरी है तभी अपनी चमचम को अच्छे से पक पाता है। तो ये स्टेप हमने दिखा दिया। अब हम फ्लेम को स्लो करके आपको अपना चमचम दिखा रहे हैं। देखिए हमने जितना बड़ा चमचम बनाया था वो फूल के डबल साइज में हो आया है। हुआ भी दिख रहा है। तो अब हम 5 मिनट और पका के और फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। हमने और 5 मिनट चमचम को उबाल लिया है। अब चलिए हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं चाशनी थोड़ा गाढ़ी हो गई है, यानी कि चमचम अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है चाशनी को। अब हम इस स्टेज पे फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और चमचम को बिल्कुल ठंडा होने देंगे, फिर हम प्लेटिंग करके आपको दिखाएंगे। चमचम ठंडा हो चुका है, चलिए हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो आप एक बार देख सकते हैं कैसे रस में अपना चमचम तैर रहा है। अब हम एक छोटा सा स्पैचुला लेंगे और चमचम को सर्व करेंगे। ऐसे हम टीढ़ा करके एक सा इसका एक्स्ट्रा रस गिरा देंगे। आप ध्यान से देखिए कितनी बढ़िया मार्केट जैसा अपनी चमचम तैयार हुई है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो चलिए हम इसकी कोटिंग करते हैं नारियल के बुरादे से। तो यहाँ पे हमने एक दूसरे प्लेट में सूखा नारियल लिया है, यानी कि कोकोनट बुरादा। ये सूखा नारियल है जिसको ग्रेटर से ग्रेट करके मिक्सर में पीस लिया जाता है। आप चाहें तो इसे घर पे भी बना सकते हैं। अब हम ये चमचम को इसमें रख के और ऐसे इसकी कोटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं। और फिर हम इसको दूसरे प्लेट में अब प्लेटिंग करेंगे। इसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए हम इस पे थोड़ा सा टूटी फ्रूटी रख लेंगे। ये सब आप पे डिपेंड है, आपको चॉइस है तो सजाइए, नहीं तो ये तो बिल्कुल घर की शुद्ध चमचम बनकर तैयार है। हमने चमचम की प्लेटिंग कर ली है।
थोड़ा सा टूटी फ्रूटी से हमने यहाँ पे गार्निश कर लिया है। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया घर पे चमचम मिठाई बनाना कितना आसान है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आपके घर में कभी भी छोटी सी पार्टी हो या कोई गेस्ट आए या कोई फेस्टिवल हो, आप फटाफट चमचम मिठाई बनाइए, शर्व कीजिए, लोग सराहेंगे कि वाह क्या मिठाई बनाया है। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।